बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जांच पूरे स्कूलों में जो तलाशी चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि ये फर्जी तरीके से ही ईमेल किया गया और सिर्फ डराने के लिए इसको समझा जा सकता है। बम के ईमेल के बाद दिल्ली के स्कूलों की जांच अब पूरी हो चुकी है। उन स्कूलों में जहां पर ये मेल जिनको मिले उनकी टीम जाकर सर्च कर चुकी है, कुछ भी ऐसा नहीं मिला। धमकी वाले किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं मिला। धमाके की धमकी को पुलिस ने फर्जी बताया है, फॉक्स कॉल ये, और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ तस्वीर कर दी गई है। हालांकि आरोपी कौन है उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस अभी जुटी हुई है, आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा रहा है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गनीमत ये है कि कहीं कोई खतरा नहीं है और पूरी तरीके से फर्जी तरीके से ईमेल सिर्फ डराने की नीयत से किया गया, लेकिन कौन था वो शख्स जिसने इतनी अफरा तफरी पैदा कर दी, अब जांच उस दिशा में। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी जो काफी देर से अब जिस तरीके से जांच बढ़ रही थी और अंदाजा था कि ये सारी की सारी कॉल जो है वो हॉक्स घोषित होंगी और वही हुआ। अब दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल ये आ गया है कि जो जानकारी मेल के जरिए स्कूलों को दी गई थी, प्रोटोकॉल के तहत सभी स्कूलों की जांच की गई और इट अपीयर्स दैट दीज कॉल सीम्स टू बी हॉक्स। दिल्ली पुलिस की तरफ से अब ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो जिस मेल किया गया, इसके पहले जो मेल आते थे अर्पिता, देखिए वो मेल आसपास से जनरेट किए होते थे, एक बार तो स्टूडेंट के मेल होते थे, लेकिन इस बार देखिए स्थिति बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो सर्वर विदेश में पाया गया, उसके बाद आईपी एड्रेस को छिपाने की कोशिश की गई, उसके बाद जो अब ओरिजिन निकल के आया है वो रूस का निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि इन सब के पीछे कोई है जो पैनिक फैलाना चाहता था या फिर उसकी मंशा कुछ और थी, और अगर वो क्या मंशा थी वो जानने के लिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, उसका गिरफ्त में आना बहुत जरूरी है, ताकि कितने बड़े पैमाने पर क्या साजिश थी, क्यों ये मेल किया गया, ये उसके पकड़े जाने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल रशिया तक ट्रैक कर लिया गया है, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखना यह होगा कि अभी और कुछ क्या निकल के आएगा। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश आप कह सकते हैं कि मिक्स करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में हिंदी टाइप की गई है जगह जगह, तो इसके जरिए भी, इस लैंग्वेज के जरिए भी उसको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो एजेंसीज अपना काम कर रही है और इन एजेंसी सेंट्रल एजेंसीज की मदद से दिल्ली पुलिस इस काम में जुटी हुई है कि आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। तो फिलहाल हर पहलुओं पर देखिए इस वक्त जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह की धमकी भरा ईमेल था, बम उड़ाने की धमकी मिली थी, हालांकि अलग अलग जगहों पर टीमें पहुंची, सर्च किया और कुछ भी नहीं मिला है, यानी फर्जी ईमेल डराने के लिए किया गया था।